स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये है गांव की शाम। अलग ही नजारा देखो कटाई का काम चलना स्टार्ट हो गया भाई। जैसे कि वो पता ही होगा सबसे जो है वो तैयार है लगभग तो मेरे जो है खेती खेत है जो है तो लेते हैं तो भाई इस इंटरनल रोड को छोड़ते हुए अब हम पहुंच जाएंगे बाहर की तरफ। अभी जिस गांव से मैं निकल रहा हूं इस गांव का नाम है खुंगाई जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सारे स्पोर्ट्समैन जो अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करके निकले हैं। ये इस गांव का अड्डा अड्डा एक्चुअली मैं आपको बताऊं भाई अड्डा कहते हैं जहां से गांव का ट्रांसपोर्ट मिलता है गांव से बाहर आके उस जगह को कहते हैं हरियाणा में अड्डा। और भी कहीं कहते हो तो पता नहीं आप लोग बताना अगर पता हो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हरियाणा में तो अड्डा ही कहते हैं। हल्की हल्की सर्दी क्योंकि आज सुबह भी बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से जो है भाई मौसम थोड़ा ठंडा और हो गया। और ये आ गया एक स्पीड ब्रेकर। यहाँ एक मंदिर है भाई जो मुझे नहीं पता किसका है। तो भाई शाम हो रही है
और दोनों तरफ खेतों के बीच में से निकलते वक्त है ना, सर्दी थोड़ी ज्यादा ही लग रही है आज। सुबह में जिस टाइम आया था तो इतनी सर्दी नहीं थी, बारिश के बाद बहुत बढ़िया सी धूप वाला मौसम हो गया था भाई। और सामने जो आपको रोड के बीचों बीच जो आपको लाइट दिखाई दे रही है वो है ठेके की लाइट, ठेका वाइन शॉप, क्योंकि अब हम हाईवे पे चल रहे हैं। और यहाँ पे भाई भीड़ देख ही रहे थे, बढ़िया सी भीड़ हो रखी थी लोगों की। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं शाम के वक्त के टाइम, अभी 7 बज रहे हैं शाम के। तो भाई यहाँ से गुड़गांव रह जाता है 32 किलोमीटर, आगे से हमें लेना है राइट। और ये जा रहा है भाई एक ट्रैक्टर, इसके साथ साथ मैंने भी गलत तरीके से यहाँ से निकाल ली गाड़ी। तो गुड़गांव रह जाता है यहाँ से 32 किलोमीटर। अब हम आ गए हैं भाई झज्जर बादली हाईवे पे। तो भाई फतेहपुर गांव को क्रॉस कर दिया है, बढ़ जाता मैं इसमें। Thank you.
ही बांटता है, लेफ्ट साइड में बांटता गाँव आगे गाड़ी चल रही है। ये भी अनु ये लेफ्ट वाला रोड निकल गया बहुत कौन के लिए और ये जो आपको राइट साइड में बिल्डिंग नजर आ रही है ना जितनी भी, ये है भाई बाड़सा के एम्स हॉस्पिटल की है, और सारी की सारी लाइट है। काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये बाड़सा में, एम्स जैसे दिल्ली एम्स है ना, ये उसी के ही एक ब्रांच है। यहाँ आपको इसका एंट्रेंस दिखाई देगा, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो कि बाड़सा गांव में है ये, और यहाँ पे आ गया भाई नाका, लेकिन है नहीं कोई, सिर्फ झज्जर पुलिस। तो यहाँ से एक और एंट्रेंस है बाड़सा गांव का, इन सड़कों पे भाई ट्रैफिक आपको ज्यादा नहीं मिलता है। यहाँ ट्रैफिक ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पीड हाई हो जाती है तो थोड़ा कंट्रोल में ही गाड़ी को चलाना पड़ता है। भाई यहाँ पे आ गए हमारे देश की शान तिरंगा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ। ये SGT यूनिवर्सिटी के पास है, वालों ने लगाया हुआ है, मतलब ये जो फ्लैग है। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं चंदू, तो ये है चंदू गांव। यहां से भी हम निकल गए, तो भाई नाइट है ना, यहाँ हाईवे पे सड़कें नहीं है, वो लाइटें नहीं है, इसीलिए बीच बीच में मुझे डिसकंटिन्यू होना पड़ता है। गए हम और धनकोट में, मैं बताऊं आपको शाम के टाइम पे लगता है ऐसे ही जाम। ये आ गई आपकी नहर धनकोट वाली, और लेफ्ट साइड में धनकोट वैसे खराब नहीं है। एक तो आप देख रहे हो ये टाइलो वाला रोड है, छोटा सा ही पार्ट है, मुश्किल से आधा किलोमीटर का, लेकिन इसको क्रॉस करने में
अच्छी खासी मेहनत लगती है। आज भाई अपना ये जो नाइट व्लॉग है चल रहा है ब्रेजा के साथ मेरा चल रहा है स्पीड का टेस्ट। ब्रेजा कभी आगे निकल जाती है, कभी पीछे रह जाती है और कभी मैं आगे निकल जाता हूँ, कभी मैं पीछे रह जाता हूँ। तो ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। और अब हम आ गए प्रॉपर लाइट में। तो स्वागत है आपका गुड़गांव में। क्योंकि हम आ गए हैं गुड़गांव में, कैसे पीछे हो गए। अभी जो है भाई सारी सड़कें ऐसी चलेंगी, थोड़ी ठीक थोड़ी खराब, थोड़ी ठीक थोड़ी खराब। और सामने की बिल्डिंगें एक नंबर लग रही हैं। तो स्वागत है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भाई द्वारका एक्सप्रेसवे है ना, बहुत बड़ा है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है इसी को कहते हैं, और वडोदरा एक्सप्रेसवे भी यही है। जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है वो भी इसी का ही एक नाम है। और ऊपर देखो भाई तिरंगे की शेड में सारी की सारी लाइटें क्या ही खूबसूरत लग रही हैं। और हमें जाना है राइट राइट राइट, हमें रहना है राइट की तरफ क्योंकि हमें जाना है राइट। तो सामने आप देखोगे ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है वो अभी बंद है, जो सेक्टर 3-4 की तरफ निकलता है। आगे फिर से हमें लेना है राइट, राइट लेते ही हम निकल जाएंगे बसई।
आगे हम पहुंच जाएंगे भाई अब बसई, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। और भाई यहाँ से ना अब रात का एक अलग ही नज़ारा दिखता है। तो भाई यहाँ से ना गुड़गांव का एक सुपर व्यू देखो आप, क्या मस्त लगता है। जो लाइटिंग है सारी की सारी फ्लाईओवर की है और सामने की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है सारा। इस साइड पूरी हाई राइज सोसाइटीज और चारों तरफ ऐसे ही आपको लाइटें दिखाई देंगी, जो कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ भाई एक नंबर व्यू आता है। वो आप सामने देख रहे हो, वहाँ एक लेक है। हम कादीपुर पहुँच चुके हैं यहाँ और कादीपुर से निकल रहे हैं अब हम। यहाँ जो है भाई सड़कें ऐसी मिलेंगी आपको, थोड़ी सी टूटी फूटी, मतलब बिल्कुल प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ। रोड में गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हैं कुछ, क्योंकि सड़कें काफ़ी समय से ना रिपेयर नहीं हुई। और ये कुछ ऐसी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं, और ये देखो भाई ने साइकिल ही डाल दी पूरी रोड पे, ब्रेकर का फ़ायदा उठा लिया। देखो ये कैसे, आप देख रहे हो ना, ऐसे रोड में बहुत सारे आपको खड्डे नज़र आएंगे। ये देखो भाई गाड़ियां अपनी इंश्योरेंस का फायदा उठा रहे हैं, इंश्योरेंस का क्या ठोक दो हमें और हम इंश्योरेंस में रिपेयर करा लेंगे, इनका कुछ इस तरीके का मानना है। तो देख लो भाई सर्दियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, हो गई थी फिर से वापस आ गई है सर्दी। ये जो पूरी मार्केट आप देख रहे हो, ये है कादीपुर गांव की। इसी की रोड पे आके जाके गुड़गांव का सदर बाजार आ जाएगा। भाई साहब खाना पीना सब हजम, क्योंकि इतने सारे खड्डे हैं ना, इतने सारे खड्डे हैं, खड्डों में एक फायदा होता है कि भाई आपका खाना पीना हजम हो जाता है। ये भाई ने ले लिया राइट, यू टर्न मारा है उन्होंने एक्चुअली। और हम आ गए सेक्टर 9 के चौक पे।
तो ये है भाई गुड़गांव का, गुड़गांव पुराना शहर, जो ओल्ड गुड़गांव है, सारी मार्केट वगैरह आप देख ही रहे हो। ये हम सदर बाजार के अंदर इंटर हो गए हैं, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से सदर बाजार, जो कि काफी बड़ा है। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे शंभू, ये शिव प्रतिमा है भाई। आज संडे है इसीलिए मार्केट जो है वो आधी से ज्यादा बंद है, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ होती है मैं आपको बता दूं। हमें निकलना है सीधा, तो भाई ये दोनों साइड जो आप देख रहे हो ये सदर बाजार है और ये काफी दूर तक है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ ज्यादातर आपको रस्सी लोहे से रिलेटेड सामान मिलता है, और सामने की तरफ जहाँ आप लाइटें देख रहे हो ना वो सब लाइटें दिखाई दे रही होंगी आपको, वो सदर बाजार की मेन मार्केट, उसके अंदर कपड़े जूते खाने पीने का सामान वो सारे मार्केट उस तरफ है। तो सदर बाजार में मिल गया हमें जाम, जैसे हर बाजार में होता है, तो यहाँ अभी हमें मिल गया। लोगों से आप समझ सकते हैं सभी शॉपिंग करके आ रहे हैं। अरे चल ले भैया, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, जो कि ले लिया है। एक्चुअली मुझे राइट जाना है घर के लिए, लेकिन लेफ्ट क्यों जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं हम इसी रीजन से। राइट साइड में जैकमपुरा और लेफ्ट साइड में पड़ती है नई बस्ती। तो भाई ओल्ड गुड़गांव में सड़कें जो हैं वो आपको इतनी छोटी छोटी ही मिलेंगी, बिल्कुल जैसे कि पहले होती थी। और यहाँ पे फिर शिव शंकर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो यहाँ पे है इंदरपुरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सुंदर नगर, और ये आ गया है श्री प्रेम मंदिर, जो कि गुड़गांव के एक फेमस मंदिरों में से एक, हनुमान जी का वो राधा कृष्ण का मंदिर है श्री प्रेम मंदिर। अब सामने आ रहा है न्यू कॉलोनी मोड़, यहाँ से हमें देखते हुए निकलना है, थोड़ा सा राइट मारना है, रॉन्ग साइड जाके निकलना है राइट, नहीं तो भाई 2 किलोमीटर आगे से मुझे यू टर्न करके आना पड़ेगा, वो मैं करूँगा नहीं।
ये छोटी सी एक रेड लाइट है, इसको इसी तरीके से क्रॉस कर देंगे। ये यहाँ से फिर राइट ले लिया हमने। ये था भाई गुड़गांव। इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में बढ़िया सा कंटेंट लेके। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।